हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी किस्मत, अपनी कहानी खुद ही लिखी है। और वो जो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनोज दे की। मनोज दे जो झारखंड के एक छोटे से शहर धनबाद से बिलोंग करते हैं, आज शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो इस बंदे को नहीं जानता होगा। आज के टाइम में इस बंदे के पास वो सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होना चाहिए। लाखों की कार में घूमता है ये बंदा, लाखों की सेलफोन यूज करता है, और सबसे बड़ी बात, लाखों दिलों पे राज करता है। आज इस बंदे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं। इतना सफल होने के बावजूद भी बंदे ने कभी भी अपने सफलता पर घमंड नहीं किया, और आज भी ये डेली कंटेंट डालते हैं और सादगी भरी जीवन जीते हैं। मनोज दे कहते हैं कि सपने जरूर देखना चाहिए, अपने सपनों को सच करने की कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि सपने सच भी होते हैं। आज ये बंदा लाखों की स्टूडियो में अपना वीडियो बनाता है, पर एक वक्त ऐसा था जब इसके पास खुद का घर भी नहीं था, दूसरे के घर के सीढ़ी पर बैठकर ही अपना वीडियो बनाया करते थे। हाँ दोस्तों, मनोज दे का फर्श से लेके अर्श तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। वो कहते हैं कि जब मैंने YouTube पे काम करना शुरू किया तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही फोन था, ना ही अच्छा सा घर था, ना ही सेटअप था, पर अपने सपने प्रति पागलपन बहुत था, और शायद इसी पागलपन की वजह से आज ये बंदा इतना कामयाब बन चुका है। मनोज दे खुद कहते हैं कि मेरे घर का दरवाजे को पेंट करने के लिए हमें 3-4 साल वेट करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त 300-400 रुपया ही बहुत बड़ा होता था हमारे लिए। इनके परिवार के लिए 300-400 रुपया ही बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस वक्त। उनके पिता एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे काम करते थे, जिससे मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। बचपन से ही मनोज दे के कंधे पे उनके परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, और शायद इसी वजह से आज इनके परिवार का हर एक मेंबर इन पे नाज करता है, इन पे गर्व करता है, और आज ये अपने शहर धनबाद के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं, YouTube रिलेटेड टिप देते हैं, और YouTube रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, और इतना सफल होने के बावजूद भी ये बंदा सिंपल साधारण लाइफ जीता है। अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर से हॉटली कनेक्ट है, या दिल से कनेक्ट है ये बंदा। दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, पर अपने सपने के प्रति पागलपन, जिद्दीपन किसी किसी के पास ही होता है। बस इतना कहना चाहूंगा आप सभी से कि सफल होने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिवाय एक की, पागलपन की, जिद की। सपने देखना बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्त, सपने के लिए पागलपन, जिद्दीपन, जिद्दी बनना बहुत बड़ी बात होती है। और मनोज सर, ये दो लाइन आपके लिए कि अभी अभी तो लांगा है समंदर, कि अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस।